Respiration is a process in which nutrients are broken down to release energy. ठीक है? So respiration is the process that makes energy available to us. That makes energy available to cells, to tissues, to organs, to body, organisms. What happens during respiration? हम लोगों ने न्यूट्रिशन पे पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है, ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन टूटता है, अमीनो एसिड्स बनता है, और फैट टूटता है तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनता है। हम लोगों ने पढ़ा है। Now, a small intestine is nutrients को absorb करता है और ब्लड को देता है। And ब्लड जो है उससे nutrients सेल में जाते हैं। तो सेल के पास क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। सेल के पास क्या आ गया? फैट्स आ गया। सेल के पास क्या आ गया? प्रोटीन्स आ गया। मींस उसके सिंपलर फॉर्म्स आ गए। ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड्स आ गया, फैटी एसिड्स आ गया, ग्लिसरॉल आ गया, मिनरल्स आ गया, विटामिन्स आ गया। सो सेल नाउ ऑब्टेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द ब्लड। सेल के पास आ गया न्यूट्रिएंट्स। नाउ सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स स्पेशली कार्बोहाइड्रेट स्पेशली ग्लूकोज is broken down to release energy, right? So respiration is the process in which nutrient is broken down to release energy. That energy is fixed in the form of ATP, right? The common substance which is used during respiration is glucose. Glucose is a common substance which is broken down during respiration. Now, glucose is broken down to form carbon dioxide, to form water, and to form ATP. यानी एनर्जी। सो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। बट फॉर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, यदि ऑक्सीजन नहीं है, then what will happen? Glucose will be broken down. Glucose टूटेगा फिर भी, ऑक्सीजन नहीं है फिर भी, and there be maybe the two types of products. इस केस में दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। फाइनली क्या क्या बन सकता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, और एटीपी तो बनेगी पहले। इन सब ऑर्गेनिक्स, सम ऑर्गेनिक्स में क्या बनेगा बेटा? समझ में आ गया? सम ऑर्गेनिक्स में बनेगा CO2, अल्कोहल एंड एटीपी। कब? इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, इफ ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड। इन अदर ऑर्गेनिक्स लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड प्लस एटीपी इज फॉर्म्ड। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में लैक्टिक एसिड बनेगा, कुछ ऑर्गेनिज्म में अल्कोहल बनेगा। एटीपी सभी प्रोसेस में बन रहा है, बट हियर ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक प्रोसेस, aerobic respiration, and this process is called anaerobic respiration.
तो रेस्पिरेशन को दो ग्रुप में बांट दिए, एयर में देने न देने। ऑक्सीजन यूज होता है तो एयर में, ऑक्सीजन यूज नहीं होता है तो एनर्जी। बट ऑक्सीजन कौन यूज कर सकता है? फॉर यूजिंग ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया आर नीडेड। क्या आवश्यकता है बेटा ऑक्सीजन के साथ? क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। व्हेन ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर प्रेजेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस। इफ एनी वन मींस आइदर ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, देयर विल बी नो एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन कैन नॉट बी यूज्ड इन एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स। तो रेस्पिरेशन कौन करेगा हुआ समझे? रेस्पिरेशन है क्या? द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एटीपी, राइट? तो फूड जब टूटेगा तो एटीपी बनेगा, लेकिन टूटने में क्या हो सकता है? टूटने में डिफरेंट पाथवे फॉलो हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि रेस्पिरेशन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस इज द प्रोसेस बाय विच एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। रेस्पिरेशन से क्या बनता है? एटीपी। पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज टू फॉर्म एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। एटीपी किस चीज से बना है? एटीपी बना है एडीपी से, डाइफॉस्फेट इसमें लगा हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी किस चीज से बनता है? एएमपी से, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब एएमपी किससे बना हुआ है? एडिनिन शुगर एंड फॉस्फेट। इसमें क्या क्या है बेटा? एएमपी में क्या है? एडिनिन है, एडिनिन, उसके अलावा क्या है? शुगर है, और क्या है? फॉस्फेट है। तो एक फॉस्फेट है इसमें, एएमपी में एक फॉस्फेट है, एडीपी में दो फॉस्फेट है, और एटीपी में तीन फॉस्फेट है, राइट? जब एटीपी टूटता है तो फिर एडीपी बनेगा, क्लियर? तो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय अस। सो एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए। एटीपी जो है वह सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज व्हाई एटीपी को हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या कहेंगे? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी, ठीक है? एनर्जी करेंसी फॉर लिविंग थिंग्स, फॉर सेल्स, फॉर ऑर्गेनिज्म्स, क्लियर? अब देखते हैं ये प्रोसेस होता कहां पर है और कैसे होता है, कैसे ग्लूकोज टूटता है। आपको पता है ना कि प्लांट के केस में ग्लूकोज से स्टार्च बन जाता है। स्टार्च जो है वह स्टोर होता है प्लांट में, और हम लोगों में एनिमल्स में ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन और रेस्पिरेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये टूटता है और ग्लूकोज बनता है। डाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा है ये टूटता है, न्यूट्रिशन में डाइजेशन जब होता है तो ये स्टार्च या ग्लाइकोजन टूटता है और बनता है क्या? ग्लूकोज। एंड दिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एटीपी। सो रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, and that energy is in the form of ATP.
सब्सटेंस रेस्पिरेशन में डूबता है उसको हम रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कहेंगे, राइट। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6, दिस इज योर ग्लूकोज, दिस इज योर ग्लूकोज। फ्रुक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ये अल्डोज है और फ्रुक्टोज जो है वो कीटोज है, ये अल्डोज है और फ्रुक्टोज कीटोज है, मतलब इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, क्लियर। मैं रिपीट कर दूंगा, अब देखो ग्लूकोज का मैं बताया C6H12O6 ये फॉर्मूला होगा। अब ये जो ग्लूकोज है वह कहां है, साइटोप्लाज्म में, तो ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म यानी सेल में है, साइटोप्लाज्म सेल में होता है। साइटोप्लाज्म के पास एंजाइम्स हैं जो ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, एंड ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है और बनाता है पाइरूविक एसिड, क्या बनाता है बेटा, पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड। ग्लूकोज में आप देखते हैं 6 कार्बन है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, एक मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड में 3 कार्बन होता है, पाइरूविक एसिड ये 3 कार्बन का होता है, ठीक है। यदि इसका फॉर्मूला हम लिखें CH3COCOOH, राइट, अब देखो 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हुआ, 3 कार्बन हुआ, राइट, तो कार्बन कितने हो गए, 3, ऑक्सीजन कितने हो गए, 1, 2, 3, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, हाइड्रोजन कितने हो गए, CH3COCOOH, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, ठीक है, तो बीच में वाटर ऐड होगा, ठीक है, तो CH3COCOOH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाइरूविक एसिड। अब ये जो पाइरूविक एसिड है इसका मतलब इसमें 3 कार्बन है, तो पाइरूविक एसिड जो है इसमें 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन है इसका मतलब ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा, इन 2 मॉलिक्यूल बनाएगा ना बेटा, तो इसके पाइरूविक एसिड